हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश की पोएम द ब्रूक के बारे में। दोस्तों, ये पोएम क्लास 7 में भी है और हमारी इस प्यारी सी पोएम द ब्रूक के पोएट का नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 अल्टरनेटिव इंग्लिश के बाकी चैप्टर्स एंड पोएम्स पर भी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उन्हें भी जाकर जरूर देख लें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पॉइंट की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इस पोएम का नाम जो कि द ब्रूक है, इसमें ब्रूक का मतलब क्या होता है। तो ब्रूक का मतलब है ए स्मॉल स्ट्रीम, मतलब एक छोटी झील। तो इस पोएम में बेसिकली जो ब्रूक है उसकी पूरी जर्नी के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ से शुरू होती है एंड कहाँ ख़त्म होती है और पूरी जर्नी में उसके साथ क्या क्या होता है रस्ते में, जब तक वो रिवर से मिल ना जाए। तो जो पोएट है उन्होंने पोएम को कुछ इस तरह से लिखी है जैसे कि ब्रूक हमसे बातें खुद ही कर रही हो। साथ ही इस पोएम में एक और चीज़ पर इम्पोर्टेंस दी गई है कि जो ब्रूक है वो परमानेंट है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं, हम इंसान हैं, वो टेम्पररी हैं। हम इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, लेकिन जो ब्रूक है वो परमानेंट है, वो हमेशा रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो अब हम जानते हैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पोएम की स्टार्टिंग लाइंस है आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, यानी मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पर कूट और हर्न यानी हिरन जैसे बर्ड्स रहते हों। कूट और हर्न दोनों ही बर्ड्स के नाम हैं। आई मेक ए सडन सैली, यानी मैं अचानक से ही अपनी स्पीड बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। एंड स्पार्कल आउट एमोंग द फर्न। फ्रेंड्स, फर्न का मतलब छोटे पौधों से है जो ब्रूक के किनारे उगा करते हैं। तो उनके पास से जब ये झील या ब्रूक बहती है तो उसका पानी स्पार्कल करने लगता है यानी चमकने लगता है। टू बिकल डाउन ए वैली, और फिर ये जो ब्रूक है वो धीरे धीरे बहती हुई एक वैली में पहुंच जाती है। बिकर का मतलब होता है फ्लो ऑफ वाटर यानी कि पानी का बहना। By 30 hills I hurry down or slip between the ridges. इस लाइन में ब्रूक अपने रास्ते के बारे में बताता है कि 30 hills यानी कि 30 पहाड़ियों को वो क्रॉस करता है और साथ ही जो रिजेस होते हैं यानी कि पहाड़ियों के बीच जो पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस रास्ते से बहती हुई ये ब्रूक आगे बढ़ती है। By 20 thorps a little town एंड हाफ ए हंड्रेड ब्रिजेस, और साथ ही ये 20 थॉर्प्स से गुजरती है यानी कि 20 विलेजेस या गांव से गुजरती है, एक छोटे से शहर से और लगभग 50 ब्रिजेस से, इन सभी चीज़ों के सामने से या उनके बगल से होते हुए ये जो ब्रूक है वो आगे बढ़ती है। टिल लास्ट बाई फिलिप्स फार्म आई फ्लो, और अंत में ये जो ब्रूक है वो फिलिप्स फार्म यानी कि फिलिप नाम के एक आदमी के फार्म में पहुँच जाती है। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, और वहाँ पहुँच कर जो बहती हुई बड़ी नदियाँ हैं उनमें जाकर ये ब्रूक मिल जाती है और वहां पर इसकी जर्नी जो है वो एंड होती है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, यानी कि भले ही आदमी आते हैं और आदमी जाते हैं मगर मैं हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन है वो इस दुनिया में आते हैं और फिर उनकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन जो ये ब्रूक है या ये जो झील है इसकी कभी डेथ नहीं होती, इसका पानी हमेशा बहता रहेगा और ये परमानेंट है। I chatter over stony ways in little sharps and trebles. यानी यहाँ ब्रूक बताती है अपनी जर्नी के बारे में कि मैं stony ways यानी पथरीले रास्तों पर, ऐसे रास्ते जो पत्थरों से बने हों, उन रास्तों पर आगे बढ़ती हूँ और उस मूवमेंट से कुछ साउंड्स पैदा होते हैं। ये जो चैटर वर्ड है ये साउंड के लिए यूज होता है, तो मेरे बहने से एक साउंड पैदा होता है म्यूजिक की तरह और जो कि काफ़ी शार्प या तीखा होता है, और ये तब होता है जब मैं पथरीले रास्तों से गुजरती हूँ। आई बबल इन टू एडिंग बेज, और फिर मैं बेज में कुछ बबल्स क्रिएट करते हुए उनमें मिल जाती हूँ। आई बैबल ऑन द पीबल्स, और साथ ही किनारे में जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे भी मैं टकराती हूँ। विथ मैनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट बाई मैनी ए फील्ड एंड फैलो। अब ये ब्रूक जो है ये बताती है कि मैं अपने रास्ते में एक कर्व लेती हूँ यानी थोड़ा गोल घूम जाती हूँ और फिर मैं एक फील्ड के सामने से गुजर जाती हूँ और फार्मलैंड के पास से गुजरती हूँ।
एंड मैनी ए फेरी फोरलैंड सेट विथ विलो वीड एंड मेलो, और साथ ही में एक फोरलैंड से एक खूबसूरत से बगीचे से या बड़े से फील्ड मीडो से गुजरती हूँ जो दिखने में ऐसा लगता है मानो ये फेरीज का हो, परियों का हो, इतना ब्यूटीफुल है। और वहाँ पर क्या है, विलो वीड है यानी घास के बड़े बड़े पौधे हैं, और साथ ही मेलो हैं यानी बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। I chatter as I float to join the brimming river। और जैसे जैसे मैं उस बड़ी नदी से मिलने के लिए आगे बढ़ती जा रही हूँ तो मुझसे एक म्यूजिक निकल रहा है, एक साउंड निकल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं गुनगुना रही हूँ, For man may come and man may go, but I go on forever। कि भले ही आदमी आते हैं और आदमी जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ, मैं कभी नहीं रुकती। मैं ह्यूमंस की तरह टेम्पररी नहीं हूँ, मैं परमानेंट हूँ। I wind about and in and out। आगे जो ब्रूक है ये अपने बहने के तरीके के बारे में बता रही है कि कैसे मैं zigzag मोशन में बहती हुई जाती हूँ। With here a blossom sailing, और बहते हुए पानी में खिला हुआ फूल भी है, वो भी मेरे साथ बह रहा है। And here and there a lusty trout, friends trout एक फिश को कहा जाता है, तो मेरे पानी में एक ट्राउट नजर आता है जो कि साइज में काफी बड़ा है, इसलिए उसे लस्टी कहा जा रहा है। And here and there a grayling, grayling friends फ्रेश वाटर फिश को कहा जाता है, तो वो भी मेरे पानी में खेलती हुई बहती हुई नजर आ रही है। And here and there a foamy flake upon me as I travel, friends पानी लगातार बहता जा रहा है, तो क्या होता है कि पानी में बबल्स बनते हैं, फोम बनता है यानी कि झाग बनती है, और वो दूर से देखने पर इस ब्रूक पर नजर आ रही है जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है। With many a silvery water break above the golden gravel, फ्रेंड जो ब्रूक का किनारा है उस पर जो मिट्टी है, छोटे छोटे पत्थर हैं, वो शाइन कर रहे हैं धूप की रोशनी में, और उसकी बगल में से ये पानी बहती हुई जाती है, इस पर भी धूप की रोशनी पड़ रही है और ये स्पार्कल कर रही है बिल्कुल सिल्वर कलर की तरह, तो यहाँ पर सिल्वर और गोल्डन का कॉन्ट्रास्ट बन रहा है। एंड ड्रो देम ऑल अलोंग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, यानी मैं इन सभी चीजों को अपने साथ बहाता हुआ ले जाता हूँ, अपने साथ आगे ले जाता हूँ वहाँ उस बड़ी से नदी में मिलने के लिए। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये लाइन बहुत बार रिपीट होती है इस पोएम में। वही सेम बात है कि इंसान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसी दुनिया में रहूंगा और हमेशा आगे बढ़ता रहूंगा। I steal by lawns and grassy plots, I slide by hazel covers। यानी जो lawn होते हैं, बड़े घास के मैदान होते हैं और जो fields होते हैं उसके बगल से मैं चुपके से निकल जाती हूँ, और जो hazel covers हैं यानी hazel nut के पेड़ों से उनके झुंड के नीचे से मैं बहती हुई चली जाती हूँ। I move the sweet forget me nots। फ्रेंड्स फॉरगेट मी नॉट्स भी एक तरह के छोटे पौधे होते हैं, तो उन्हें भी ये जो झील है ये अपने रास्ते में बहा कर ले जाती है। दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स, और ये जो फॉरगेट मी नॉट्स पौधे हैं ये लवर्स के लिए उगते हैं, यानी ये प्लांट्स लव के एक सिंबल हैं, लेकिन मैं इसे भी अपने साथ बहा कर ले जाती हूँ। I slip, I slide, I gloom, I glance। और अपने बारे में ये ब्रूक बताती है कि मैं धीरे से जाती हूँ, फिसलती हुई चली जाती हूँ, छुप कर जाती हूँ और झांकते हुए जाती हूँ। Among my skimming swallows, friends, swallows एक तरह के पक्षी होते हैं, तो जो swallows हैं वो इस ब्रूक की सरफेस पर आते हैं ताकि पानी में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं उन्हें पकड़ सके, और अपना खाना ढूंढने के लिए ये swallows ब्रूक के पास आती हैं। I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows। फ्रेंड्स नेटेड सनबीम डांस, अब इसका मतलब समझना होगा कि पेड़ों से जब धूप निकलती है तो क्या होता है कि पत्तों से टकराते हुए कहीं छांव होती है तो कहीं पे धूप की रोशनी होती है, तो ऐसा लगता है मानो धूप का एक जाल बना है बिल्कुल नेट की तरह। तो यहाँ पर ब्रूक उसी के बारे में बता रही है कि मेरे ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उन पेड़ों से होते हुए, तो ऐसा लगता है कि मानो एक नेट हो, एक जाल हो मेरे ऊपर, और पानी की मूवमेंट की वजह से वो जाल डांस कर रहा है, और ये सब उन बैंक्स के किनारे पर हो रहा है क्योंकि किनारे पर ही वो पेड़ हैं
जिनसे धूप गुजर रही है। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली वाइल्डरनेसेस। और मैं क्या करती हूँ जब रात के समय ट्रेवल करती हूँ तो मुझसे धीमी आवाजें आती है। आई लिंगर बाई माई शिंगली बार्स। लिंगर का मतलब होता है रुकना या अपनी स्पीड को कम कर देना। तो जब मैं शिंगली बार्स यानी कि किनारों से गुजरती हूँ, वो किनारे जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वहाँ मैं अपनी स्पीड को कम कर लेती हूँ। आई लॉयटर राउंड माई क्रेसिस। फ्रेंड्स, क्रेसिस का मतलब होता है पानी वाले पौधे। तो इन बड़े पत्तों वाले पौधे के पास से जब ये ब्रूक गुजरती है तो अपनी स्पीड को कम कर लेती है और आराम से गुजरती है। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू ज्वाइन द ब्रीमिंग रिवर। और इन सब से जब ये ब्रूक आगे बढ़ती है तो अपनी स्पीड को बढ़ाती है, कर्व्ड रास्ते से जाती है, तो इसे उस ब्रीमिंग रिवर, उस बड़ी सी नदी से मिलने की जल्दी है। फॉर मैन में कम एंड मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। क्योंकि भले ही जो लोग हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा यहीं रहती हूँ और हमेशा आगे बढ़ती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी ब्यूटीफुल सी पोएम द ब्रूक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। एंड हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके पास दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सके। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।